हाँ नमस्कार। सीपीसीटी की सीरीज में आज हम लोग यूएसबी टॉपिक शुरू करेंगे। पिछले पार्ट 3 में हमने पीढ़ियों के बारे में पढ़ा है। तो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है, आपका लिंक ऊपर दी गई है। ये लिंक से हमने वीडियो मतलब सॉरी जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है edx.mp.gov.in में लिंक है। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा देख लें, उसमें बताया गया है कि आप मटेरियल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यूनिवर्सल सिलेबस से टॉपिक से प्रश्न लगभग हर पेपर में आ ही रहे हैं। यूएसबी जो है आपका, और आजकल यूएसबी सभी कंप्यूटरों में यूज होने लगी है। यूएसबी काहे के लिए होती है कि आपको दूसरे जो पेरिफेरल हैं, जो डिवाइस कंप्यूटर के बाहर से कंप्यूटर में लगानी है, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, तो उसके लिए यूएसबी पोर्ट चाहिए होता है। तो कंप्यूटर को किसी दूसरे बाहरी यंत्रों से जोड़ना है, बाहरी यंत्र मतलब बाहर हैं, तो उसके लिए सहायक कनेक्ट, सबसे ज्यादा सहायक कनेक्शन हमारा क्या है, यूएसबी है। क्या क्या दिए, डिवाइस नाम, डिजिटल कैमरा जोड़ना है, प्रिंटर, स्कैनर या कोई बाहरी हार्ड ड्राइव जोड़ना है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, यूएसबी यूज होता है। इसके इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हर सेकंड में 12 मेगाबिट की गति से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। 1996 में कुछ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों ने इसकी शुरुआत की थी, और आजकल तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हैं आपके के साथ इसमें केबल भी आती है, आप आराम से इसमें जोड़ सकें, यानी कंप्यूटर साथ जोड़ना है आप तो इसमें पोर्ट में उसको जोड़ सकते हैं। ये एक पिन की तरह दिखता है, सबने आजकल पेन ड्राइव आपने देखी है तो भी इसमें तरह ही दिखता है। आप मोबाइल का चार्जर देखते हैं वो भी इसमें पोर्ट से मिलता जुलता है। तो अगर आप इससे कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जोड़ना होगा। यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर में सामने भी होता है पीछे भी होता है। यूएसबी एक ऐसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना है कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से कंप्यूटर साथ क्या कर जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, तुरंत जोड़ा निकाल लिया, और आसान जोड़ना सरल है। अगर पुराने पोर्ट आपने देखे हो कीबोर्ड माउस के तो बहुत पिन मिलानी पड़ती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको उसके लिए कंप्यूटर को चालू बंद भी नहीं करना है, आप कंप्यूटर चालू रखे भी कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट की बात करें तो आप कंप्यूटर में यूएसबी लगाने के लिए जो जगह दी गई है, सामने भी होती है पीछे भी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट कहते हैं। आजकल हर कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट आता है ताकि आप क्या कर सकें, कंप्यूटर के साथ बाहरी डिवाइस को जोड़ सकें। बाहरी डिवाइस हम पढ़ चुके हैं, जैसे कैमरा हो, प्रिंटर हो, ये जो लिखा है स्कैनर, या आप कीबोर्ड माउस भी आजकल यूएसबी आने लगे हैं। तीन वर्जन यूएसबी के हैं, ऑटोमेटिक वर्जन बढ़ता है तो क्षमताएं बढ़ती हैं, ऐसे यहाँ भी है। पहला वर्जन 1.0 है, जिसको इसमें क्या होता है, कीबोर्ड माउस जोड़ने के लिए यूज होता है, और इसकी गति 11 Mbps थी। याद रखना सरल है, देखिए 1.1.1.11 है, 1.0 की गति 1.11 है। 2.0 वर्जन, अगला वर्जन नया वर्जन है, इसमें आप किसी भी बाहरी यंत्र को जोड़ सकते हैं जो यूएसबी पोर्ट को सपोर्ट करता हो, मतलब यहाँ पे कीबोर्ड माउस तक लिमिट नहीं है, और गति इसकी देखिए 480 Mbps है। वैसे भी कठिन नहीं याद रखना है, देखें तो 2 है और 2 से कटने वाले 4.8 है, 480 Mbps गति से काम करता है, तो ये जनरली अभी यूज कर रहे हैं। अब अगला है यूएसबी 3.0, ये नवीनतम वर्जन है और यूज में है ये। और 3.0 को हम क्या कहते हैं, सुपर स्पीड यूएसबी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड जो है पहले से काफी तेज है। और कितनी गति है, 4.8 GB है इसकी गति, 2.0 के 480 थी, इसकी कितनी 10 गुना तक ज़्यादा है आप देखें तो। इसमें ऐसा देखिए नीले कलर की कोडिंग स्ट्रिप होती है पहचानने के लिए, वैसे आप ज़्यादातर कंप्यूटर में से पाएंगे नहीं, क्योंकि इतनी गति चाहिए नहीं होती है सामान्य कंप्यूटर में। विशेषताएं यूएसबी की, कनेक्टिविटी, पहले प्रिंटर कीबोर्ड कनेक्ट करना हो करने से यूएसबी की स्पीड फर्क पड़ता था, लेकिन 3.0 में समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और अब हार्ड ड्राइव, वीडियो कैमरा जैसे डिवाइस लगाने पर भी 3.0 की स्पीड में फर्क नहीं पड़ता है। गति 4.8 की बहुत गति होती है, बाई डायरेक्शनल है, 1.1 और 2.0 का एक समय में एक ही डाटा फाइल ट्रांसफर कर सकते थे, ये क्या है, कई डेटा फाइल रीड राइट कर सकता है 3.0। और ड्राइव ड्रा है, यानी 3.0 में पावर हंग्री ड्राइव पर काम करते हुए भी स्पीड बेहतर बनी रहती है, इन स्पीड घटती नहीं है। अधिक पावर वाली ड्राइव के बेहतर प्रदर्शन के लिए बस पावर और ड्राइव करंट को बढ़ा देता है। और पावर मैनेजमेंट है कि डाटा ट्रांसफर के समय पावर के सही मैनेजमेंट के लिए फीचर जोड़ा गया है, जिससे क्या बिजली सही तरीके से इस्तेमाल की जा सके। न्यू टाइप मैनेजमेंट, ये कुछ विशेषताएं हैं कि नए टाइप फॉर्मेट के डाटा ट्रांसफर सपोर्ट के लिए भी टाइप मैनेजर इसमें उपलब्ध हैं। तो ये विशेषताएँ यूएसबी 3.0 की हैं, कनेक्टिविटी है अच्छी, कनेक्टिविटी है मतलब स्पीड अच्छी है, बाई डायरेक्शनल है, कई साथ मल्टीपल फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब विशेषताएं हैं। अब कनेक्टर के प्रकार हम आते हैं, कनेक्टर कौन कौन से प्रकार हैं।
इसमें आपका कनेक्टर प्रकार टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन टाइप हैं। तो टाइप 1 जो होता है फ्लैट होता है, और जो बाकी कनेक्टर थोड़ा बड़ा होता है, और कंप्यूटर के साथ क्या होता है, इसको फाइल लेने देने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप इसके जरिए कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन इत्यादि जोड़ सकते हैं। टाइप 2 हमारा क्या चौकोर होता है और थोड़ा बड़ा भी होता है, और इस तरह कनेक्टर क्या है, स्कैनर, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव के लिए होते हैं, और ये कंप्यूटर से जुड़ते हैं। मतलब प्रिंटर स्कैनर आपका टाइप 2 से जुड़ेगा, और टाइप 3 जो होता है दिखने में टाइप 2 तरह ही होता है लेकिन इसका आकार छोटा होता है, और इसमें आप क्या थोड़ा सा और स्पीड डिवाइस है, कैमरा, MP3 प्लेयर, बाकी छोटे डिवाइस जोड़ते हैं। आपने जो वर्जन देखे हैं 1.0, 2.0, 3.0 वर्जन्स पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अगर हम गूगल में जाएं, थोड़ा सा मैं गूगल ही कर रहा हूं क्योंकि डेटा मेरा नहीं है, ये जो मैं लिंक खोल रहा हूं इस डेटा में दिखा रहा हूं आपको स्टडी के लिए आपकी। तो यहां पे हमने लिख दिया USB वर्जन्स, लिख दिया वर्जन्स पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसको बिल्कुल आप याद कर लें। USB के वर्जन जो हमारे हैं ये देखें, USB के वर्जन कहीं कहीं पर आ ही जाएगा। यहाँ देखें वर्जन दिख रहे हैं, ये आपको मतलब काफ़ी यूज होते हैं, वर्जन से होते हैं ये। ये देखें 1.0 की जो रिलीज डेट है 1996 है, हमने यहाँ पढ़ा भी है कि 1996 में इस पर काम होना शुरू हुआ था। ये आप देखें, अगर यहाँ पे हम PDF में आए हैं, आपका HPD आ गया, मैं USB देखें यहाँ पे USB को देखें, 1996 में कुछ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों ने USB की शुरुआत की थी। यानी पहला वर्जन 1996 में ही आया, हमने पढ़ा भी है, यहाँ दिखा भी रहा है कि January 1996 में पहला वर्जन आया। स्पीड 12 Mbps, यहाँ पे 11 है आपके PDF में, तो बहुत इससे अंतर नहीं पड़ता है, इतना क्लोज उत्तर रहता भी नहीं है। और दूसरा वर्जन आपका 1.1 कब आया, September 1998 में आया है। ये वर्जन के साल आप याद कर लें, कई बार प्रश्न आते हैं वर्जन कौन सा वर्जन कब आया, साथ ही एक प्रश्न दूसरी तरह पहुंचता है जिसे पहुंचेगा 2000 तक कितने वर्जन आए थे, तो 2000 में कितने वर्जन हो गए हैं, 2.0 आ गया, कुल कितने हो गए हैं, 1.0, 1.1, 2.0, मतलब कुल तीन वर्जन हमारे हो गए हैं। और 3.0 हमारा जो आया है वो हमारा कब आया है, नवंबर 2008 में आया है। 5 GB स्पीड दिख रही है यहाँ पे, हमने 4.8 पढ़ा है तो लगभग वही स्पीड है। और आगे वर्जन देखने हैं तो इसमें लिंक को खोल दूँ, ये लिंक राम इलेक्ट्रॉनिक्स लिंक है, आप और लिंक देख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। 3.0 तक ही इस लिंक में है, इसको हम विकी कर देते हैं, विकीपीडिया में देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर आ जाएगा। ये है विकीपीडिया की लिंक है, विकीपीडिया थोड़ा ऑथेंटिक बना जाता है इसमें जो आपके डेटा रहते हैं। ये हम यहाँ पे आ गए हैं 1.0 1996, 2.0 थोड़ा सा देखें साल के आगे पीछे हो सकते हैं, 2.0 रिवाइज्ड है, 3.0, 3.1, 3.2 और 4, मतलब कुल आपके देखें तो 1, 2, 3, मतलब 1.0 1.1 था, 2.0 फिर 3.0, 3, 4, 5, 6, 7, कुल इतने वर्जन आपके हैं। और स्पीड भी दिख रही है, स्पीड में ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है आपका जो शो हो रहा है, मतलब जैसा स्पीड आपने PDF में पढ़ी है, 12 Mbps, 480 Mbps, 5 GB, 10 GB, 3.1 में स्पीड डबल हो गई है, 3.2 में 20 GB हो गई है, और 2019 में आया है 4 का 4.1 नहीं है अभी जो ही है, मैं कई बार पूछ देता है ना। और आपका जो कनेक्टर टाइप थे देखें, टाइप ए, टाइप बी आपका कहाँ है, 1 और 2.0 तक है। 3 में हमारा टाइप ए और टाइप बी है, और जो 3.1 से है हमारा टाइप सी होने लगा, ये जो आगे वर्जन भी चल रहे हैं, हमने पढ़े तीन टाइप पढ़े मैंने, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी देखे हमने भी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देखे हमने। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्जन हमारे हैं 1.0 1996 में और 1.1 1998 में, वो यहाँ पे नहीं है, 1.1 भी था, और 2.0 हमारा 2000 में था, 3.0 2011, 3.1 2014, 3.2 17, 3. आपको 3. के बाद 3.2 के बाद 4 आ गया हमारा। ये कई बार संख्या पूछती थी कितने वर्जन हैं आपके, तो कुल कितने वर्जन आप देख रहे हैं, 1.0, 1.1, 2, 2.0, 3 और 3 के आपके वर्जन, 3.0 के 3 वर्जन, 6 और 7, मतलब कुल 7 वर्जन आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपकी USB के बारे में डिटेल हो गई, USB के बारे में क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं, USB के बारे में क्वेश्चंस, तो उसको ध्यान से देखना USB का आपको। अगला टॉपिक हमारा है मॉनिटर, तो मॉनिटर सब जानते हैं डिस्प्ले का ही है, जो टेक्स्ट, छवि, वीडियो, ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डिस्प्ले करता है, ये स्वयं इसका कोई प्रकाश नहीं होता है बल्कि दूसरे जो स्रोत से प्रकाश पड़ रहा है उसको मॉड्यूलेट करता है, और मॉनिटर का काम जो है वो मतलब जो प्रकाश पीछे से आता है उसको बस दिखाता है। और इसका काम क्या है, जितने
कंप्यूटर के काम हो रहे हैं, जो भी आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं या कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, उसको क्या करता है वो स्क्रीन पर दिखाना होता है, यानी एक तरह के आउटपुट डिवाइस है। दो तरह के होते हैं, सीआरटी और एलसीडी। अब कुछ लोग कहेंगे एलईडी भी है, तो एलईडी आपका एलसीडी के अंतर्गत ही आता है, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। कई साइज में आता है, देखते हैं ना आपका साइज का मतलब, जो आपका डायगोनल साइज, ये जैसे ऐसे नापते हैं, इसको डायगोनल साइज कहते हैं हम, 15, 17, 19, 21 कई साइज इसके आती हैं। और जो कंपनियां हैं बड़ा मुख्य, वो आपकी एलजी हैं, सैमसंग हैं, बेनक्यू हैं, एचपी है, सोनी इंटेक्स, ये आपकी हैं। और एलसीडी देख रहे हैं, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आजकल ज़्यादातर मॉनिटर हमारे एलसीडी ही आ रहे हैं। सीआरटी जो मॉनिटर है वो आपका पिक्चर से मतलब मार्केट से बाहर है, आपको कोई भी टीवी मॉनिटर अब सीआरटी नहीं मिलेगा, सब एलसीडी ही रहते हैं। एलसीडी हमारा क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, डिस्प्ले एक प्रकार का आपका कहिए जिस डिस्प्ले का ये पारदर्शी है, जिसमें क्या लिक्विड क्रिस्टल नाम ही है इसका, लिक्विड क्रिस्टल जो है ट्रांसपेरेंट, वो आपका जो द्रव क्रिस्टल के विभिन्न आकृति वाले मूल से बना होता है। और जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होता है, क्रिस्टल अपना ओरिएंटेशन झुकाव बदल देते हैं। इन क्रिस्टल का ओरिएंटेशन बदलने से क्या होता है, जो प्रकाश का ध्रुवण होता भी बदलता है, और ये क्रिस्टल एलिमेंट के दिशता दिशा धारण करता है। यानी इसमें जो कुछ भी काम होता है, लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं आपके दो प्लेट के बीच में, दो कांच के बीच में, उनके द्वारा पूरा भी डिस्प्ले होता है। और ये जैसे ही बिजली पड़ती है, बिजली आता है, तो इनमें कुछ बदलाव होने से आपकी आकृतियाँ बनती हैं, दृश्यता दृश्यता जो दिखा है निर्धारण होता है। इस कंप्यूटर का मॉनिटर, टीवी उपकरणों के पैनल सामान्य जनजीवन में प्रयोग, जो विभिन्न उपकरण हैं, कैलकुलेटर, कलाई, घड़ी, इसी डिस्प्ले से बनती हैं। हल्का होना, पोर्टेबल होना, जैसे आप देखते हैं लैपटॉप, लैपटॉप में बहुत पहले से आपका एलसीडी चल रहा है, आजकल तो खैर मॉनिटर एलसीडी और टीवी एलसीडी आने लगी हैं, लेकिन ये इनकी विशेषताएं थी, पोर्टेबल होना, कम बिजली में चलना, बड़ी आकृति में निर्माण में आसानी आदि विशेषताएं हैं। पहले की टीवी देखिए आप, जो थी आपके उतनी बड़ी नहीं थी, जब से एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, अब तो बहुत बड़ी टीवी होने लगी हैं। और सीआरटी की बात करें तो एक निर्वात नलिका होती थी, इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा क्या होती थी, फायरिंग होती थी, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने, कोण देने के लिए कई विधि इसमें प्रयोग होती थी। और नलिका पटल में इलेक्ट्रॉन किरण को डाल कर क्या होता था, प्रकाश को उत्सर्जित कर छवि मतलब पिक्चर बनाने का प्रयोग होता था। और जैसा बिजली पड़ती थी उस हिसाब से आपको अपन ये देखिए, ऐसा सीआरटी ऐसा था, सीआरटी जो थे पुराने टीवी देखें तो आपका खोला होता ऐसे दिखता है पीछे करके, ये तो ये सीआरटी फिलहाल तो मार्केट से बाहर है। तो अभी इस वीडियो हमने क्या देखा है, यूएसबी देखा है और मॉनिटर देखा है, मॉनिटर दो टाइप देखे हमने, एलसीडी और सीआरटी देखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में आने वाले वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे और मदरबोर्ड पढ़ेंगे।